चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इसराइल हमास युद्ध के बीच अदन की खाड़ी में अमेरिकी स्वामित्व वाले पोत पर मिसाइल हमला, हूती विद्रोहियों को अमेरिका ने दी बड़ी चेतावनी। खबर सामने आई है इसराइल हमास युद्ध के बीच लाल सागर में एक अमेरिकी मालवाहक पोत पर हमले की खबर आ रही है। यमन से दागी गई मिसाइल के जरिए सोमवार को अदन की खाड़ी में अमेरिकी स्वामित्व वाले एक पोत पर हमला किया गया, एक निजी सुरक्षा एजेंसी ने यह जानकारी दी है। मिली जानकारी के अनुसार एम्ब्रे एंड द्रयात ग्लोबल ने पोत की पहचान मालवाहक पोत ईगल जिब्राल्टर के रूप में की है। पोत का स्वामित्व कनेक्टिकट स्थित फर्म ईगल बल्क के पास है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। केजरीवाल सरकार का ऐलान, इन सभी शहीदों के आश्रितों को मिलेगा 1 करोड़ रुपया मुआवजा। खबर निकलकर सामने आई है गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली सरकार ने देश के शहीद वीर सपूतों को मुआवजा देने की स्वीकृति दे दी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सुरक्षा बलों के 6 जवानों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, जिसके बाद इसे मंजूरी दे दी गई। ड्यूटी पर शहीद होने वाले जिन वीर जवानों को दिल्ली सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है, उनमें कैप्टन जयंत जोशी, मेजर रघुनाथ, एएसआई ओम प्रकाश, पुनीत गुप्ता, प्रवीण कुमार और एसआई राधेश्याम शामिल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हूती विद्रोहियों का सफाया करने में जुटा अमेरिका, 60 ठिकानों पर बमबारी कर मचाई तबाही। खबर निकलकर सामने आई है अमेरिकी सेना ने शनिवार सुबह यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले एक और स्थान पर हमला किया है। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। यमन की राजधानी सना में तेज धमाके की आवाज सुनी गई। सेना के अधिकारी ने बताया कि इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों के इस्तेमाल वाले स्थानों को निशाना बनाया था, जिसमें 28 स्थानों पर स्थित 60 ठिकानों पर हमला किया गया। इसके साथ ही अमेरिका का कहना है कि एक रडार स्थल अब भी समुद्री यातायात के लिए खतरा बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि हूती विद्रोहियों को और हमलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 100 दिन में IDF ने 9,000 से अधिक आतंकियों को किया ढेर, हमास लड़ाकों ने दागी 9,000 मिसाइलें। खबर सामने आई है इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को 100 दिन से अधिक बीत गए हैं। अब तक दोनों पक्षों के करीब 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इजरायली सेना ने सोमवार को नए आंकड़े जारी किए हैं। इजरायली सेना के अनुसार उन्होंने 7 अक्टूबर से 9 जनवरी के बीच 9,000 से अधिक आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इजरायली सेना ने ब्रिगेड स्तर के 5 कमांडरों में से 2 को मार डाला है, साथ ही उन्होंने हमास के उप प्रमुख को भी लेबनान में मार डाला। इजरायली सैनिकों ने इसके अलावा बटालियन स्तर के 19 कमांडर और 50 कंपनी कमांडरों को भी मौत के घाट उतार दिया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 7.1 से 7.6% ब्याज वाली जमा योजना शुरू की। खबर निकलकर सामने आई है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोमवार को एक नई जमा योजना की घोषणा की, जो प्रतिवर्ष 7.1 से 7.6% के दायरे में ब्याज भुगतान की पेशकश करती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बयान में कहा है कि उसकी विशेष अल्पावधि की खुदरा जमा योजना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सालाना 7.60% और अन्य लोगों के लिए 7.10% की ब्याज दर पेशकश की गई है। सोमवार को खुली यह योजना, जो 2 करोड़ रुपए से कम की खुदरा जमाओं पर लागू है। बैंक पहले 271 दिनों की थोक जमाओं पर 6.25% ब्याज की पेशकश कर रहा था। बैंक के मौजूदा और नए ग्राहक BOB 360 नाम वाली इस जमा योजना को किसी भी शाखा में ऑनलाइन या मोबाइल ऐप की मदद से खोल सकते हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मुसलमानों का BJP से ज्यादा फायदा किसी ने नहीं किया, शुक्रिया मोदी भाईजान, सम्मेलन में बोले शाहनवाज। खबर सामने आई है BJP ने UP में मुस्लिमों को जोड़ने के एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सोमवार से शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन की शुरुआत की गई। लखनऊ में आयोजित सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस सपा बसपा मुस्लिमों को भाजपा का डर दिखाकर उनका वोट लेते आए हैं। खुदा से डरने वाली कौम को BJP से डराया जाता रहा है। मुस्लिमों और महिलाओं के लिए जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं, वो आज तक किसी ने नहीं किए, इसलिए मुस्लिम बहनों के लिए मोदी भाईजान हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में भी योगी सरकार है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना कहीं दंगा ना ही कहीं कर्फ्यू है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कृषि क्षेत्र में भी AI का प्रयोग, जाने कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उगाई गई फसलें। आपको बता दें आज के वक्त में हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा है। हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI को लेकर तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं।
इसी कड़ी में खेती किसानी के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के बारामती जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से फसलें उगाई गई हैं। बारामती में पहली बार कृषि में किया गया यह प्रयोग सफल भी रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बारामती जिले में गन्ने के साथ साथ भिंडी, टमाटर, मिर्च, तरबूज, कद्दू, फूल, पत्ता गोभी जैसे फसलें उगाई गई हैं। इसमें हर फसल की योजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। इस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ तुषार जाधव ने बताया है कि विभिन्न फसलों में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शुरू किया उम्मीदवारों के लिए चयन सर्वे। आपको बता दें मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस लोकसभा का चुनाव गंभीरता से लड़ने के मूड में नजर आ रही है। यही कारण है कि पार्टी ने उम्मीदवार चयन के लिए अभी से सर्वे की शुरुआत कर दी है। यह बात अलग है कि विधानसभा चुनाव में भी सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाने का दावा किया गया था। राज्य में लोकसभा की 29 सीट है और कांग्रेस के पास वर्तमान में सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट है। शेष 28 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से मिली सीख के बाद लोकसभा के लिए उम्मीदवार चयन में गंभीरता बरत रही है। यही कारण है कि उसने 3 स्तर पर सर्वे करने का फैसला कर दिया है। इसमें से 2 सर्वे प्रदेश की कांग्रेस इकाई करेगी तो 1 सर्वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करवाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर और यूपी के इन इलाकों में बारिश के आसार। पूर्वांचल में सर्दी का सितम जारी, कांप रहे लोग। खबर निकल कर सामने आई है पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक महीने से सितम ढा रहा मौसम राहत देता नजर नहीं आ रहा है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। जेट स्ट्रीम के साथ ही सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पारा लगातार नीचे लुढ़क रहा है और लोग कांप रहे हैं। शनिवार को दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई, इसके कारण एक बार फिर दिन सर्द हो गया है। गलन बढ़ गई है। दिन का तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नीचे हो गया है। वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय हो रहा है। इसके 31 जनवरी तक प्रभाव में आने का पूर्वानुमान है। इसके असर से यूपी के पश्चिमी हिस्से में बारिश हो सकती है। लखनऊ में बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी के आसार हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानेंगे, इस देश ने खत्म की मान्यता, ड्रैगन को मिला बड़ा फायदा। खबर निकलकर सामने आई है दुनिया के सबसे छोटे द्वीपीय देश के तौर पर पहचान रखने वाले नाउरू ने ताइवान से सारे राजनयिक संबंध खत्म करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उसने ताइवान को चीन के ही एक हिस्से के तौर पर मान्यता देने की बात भी कही है। नाउरू की सरकार ने इस बारे में बयान जारी कर यह जानकारी दी कि सरकार की ओर से सोमवार को सोशल मीडिया पर एक ऐलान किया गया है। डेविड एडियांग ने फेसबुक पेज पर दिए गए राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नाउरू सरकार ताइवान को भी रिपब्लिक ऑफ चाइना के ही एक हिस्से के तौर पर मानेगी। मीडिया में भी इस संबंध में बयान जारी किया गया है। इसमें नाउरू सरकार ने कहा कि हम ताइवान को अब एक अलग देश के तौर पर मान्यता नहीं देंगे, इसकी बजाय हम उसे चीन के ही एक अभिन्न हिस्से के तौर पर रखेंगे। बयान में कहा गया कि हम ताइवान से तुरंत अपने कूटनीतिक संबंधों को समाप्त करते हैं। हम अब ताइवान से अलग से कोई आधिकारिक और कूटनीतिक संबंध नहीं रखेंगे। नाउरू का यह फैसला चीन के लिए कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर और यूपी के इन इलाकों में बारिश के आसार। पूर्वांचल में सर्दी का सितम जारी, कांप रहे लोग। खबर निकलकर सामने आई है पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक महीने से सितम ढा रहा मौसम राहत देता नजर नहीं आ रहा है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। जेट स्ट्रीम के साथ ही सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पारा लगातार नीचे लुढ़क रहा है और लोग कांप रहे हैं। शनिवार को दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई, इसके कारण एक बार फिर दिन सर्द हो गया है। गलन बढ़ गई है। दिन का तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नीचे हो गया है। वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय हो रहा है। इसके 31 जनवरी तक प्रभाव में आने का पूर्वानुमान है। इसके असर से यूपी के पश्चिमी हिस्से में बारिश हो सकती है। लखनऊ में बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी के आसार हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानेंगे, इस देश ने खत्म की मान्यता, ड्रैगन को मिला बड़ा फायदा। खबर निकलकर सामने आई है दुनिया के सबसे छोटे द्वीपीय देश के तौर पर पहचान रखने वाले नाउरू ने ताइवान से सारे राजनयिक संबंध खत्म करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उसने ताइवान को चीन के ही एक हिस्से के तौर पर मान्यता देने की बात भी कही है। नाउरू की सरकार ने इस बारे में बयान जारी कर यह जानकारी दी कि सरकार की ओर से सोमवार को सोशल मीडिया पर एक ऐलान किया गया है। डेविड एडियांग ने फेसबुक पेज पर दिए गए राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नाउरू सरकार ताइवान को भी रिपब्लिक ऑफ चाइना के ही एक हिस्से के तौर पर मानेगी। मीडिया में भी इस संबंध में बयान जारी किया गया है। इसमें नाउरू सरकार ने कहा कि हम ताइवान को अब एक अलग देश के तौर पर मान्यता नहीं देंगे, इसकी बजाय हम उसे चीन के ही एक अभिन्न हिस्से के तौर पर रखेंगे। बयान में कहा गया कि हम ताइवान से तुरंत अपने कूटनीतिक संबंधों को समाप्त करते हैं। हम अब ताइवान से अलग से कोई आधिकारिक और कूटनीतिक संबंध
नहीं रखेंगे। नाउरू का यह फैसला चीन के लिए कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर और यूपी के इन इलाकों में बारिश के आसार, पूर्वांचल में सर्दी का सितम जारी, कांप रहे लोग। खबर निकल कर सामने आई है पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक महीने से सितम ढा रहा, मौसम राहत देता नजर नहीं आ रहा है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। जेट स्ट्रीम के साथ ही सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पारा लगातार नीचे लुढ़क रहा है और लोग कांप रहे हैं। शनिवार को दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई, इसके कारण एक बार फिर दिन सर्द हो गया है, गलन बढ़ गई है। दिन का तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस।